नमस्कार, आप देख रहे हैं अरवर्ट न्यूज खबर दीघा पटना से। आज बूथ अध्यक्ष व सचिव के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए जदयू के विधान पार्षद प्रोफेसर रणवीर नंदन ने कहा कि वर्तमान समय में नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी है। वे लोगों के विकास के साथ साथ उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की नीति पर काम कर रहे हैं। वे जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में पर्यावरण की सुरक्षा की आवश्यकता एवं उसके महत्व को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। श्री नंदन ने यह भी कहा कि समस्त कार्यकर्ताओं का यह दायित्व है कि वे मुख्यमंत्री की तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाएं। तो आज दीघा विधानसभा में प्रशिक्षण वर्ग लगा है। हमारे जितने भी बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, वो प्रशिक्षण ले रहे हैं। और जो हमारा विषय है, पार्टी की विचारधारा, सामाजिक समरसता का विषय, सामाजिक सद्भाव का विषय, महिला सशक्तिकरण, छात्र एवं युवा सशक्तिकरण, जल जीवन हरियाली, ये सारे विषयों पर हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि कार्यकर्ता हमारे जो हैं बूथ स्तर कार्यकर्ता, वो सबसे अंतिम तक का जो हमारा जो इम्पोर्टेंट यूनिट है बूथ, उस पर वो काम करते हैं। प्रत्येक परिवार में जाएंगे, उन्हें इन सभी विषयों से अवगत कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन हरियाली अभियान जो अपनाया और आज तक विश्व की सबसे बड़ी जो मानव श्रृंखला बनी, उस पर अपने विचार को देंगे। और आगामी जो चुनाव है, हम अपने समाज के बीच सारे पॉजिटिव तथ्यों को रखते हुए विधानसभा के चुनाव में जाएंगे और 100% सफल होंगे। कल सर चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी की हार मिली है, उससे क्या कहेंगे, बिहार में क्या लगता है? देखिए, बीजेपी के विषय में हम क्या बोले, लेकिन हम अपने दल के बारे में बोल सकते हैं कि आज दिल्ली के चुनाव में हम चौथे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं। हमारा वोट परसेंटेज 0.90% है। ये अपने आप में बहुत बड़ा उत्साहवर्धक है और हम आशा करते हैं कि कल होकर राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में हम पूरे मनोयोग के साथ जनता दल यूनाइटेड संगठन काम करेगा, तो अगला लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव आएगा उसमें हम निर्णायक स्थिति में रहेंगे। इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने मेहनत करके कार्यकर्ताओं के बदल यह स्थान प्राप्त किया है। और आप देखिए, जो हमारा यहाँ ऑपोजिशन का दल है, उसे 0.1% वोट मिला। आप पीछे समझ सकते हैं कि दिल्ली की जनता ने किसे लोकप्रिय माना। हम उत्साहित हैं।